और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ सबसे वायरल कॉफी डलगोना कॉफी और विदाउट मशीन। तो चलिए स्टार्ट। दोस्तों डलगोना कॉफी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे कॉफी है, मैं नेस्कैफे क्लासिक कॉफी यूज कर रही हूँ और मेरे पास 1 टेबल स्पून है ये कॉफी डालूंगी मैं, 2 टेबल स्पून कॉफी डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, आप 2:2 का रेशियो रख सकते हो लेकिन आप चाहो अगर आपको ज्यादा स्ट्रांग पीनी है तो आप 2:2 का रेशियो रखो, अगर आपको माइल्ड कॉफी चाहिए तो आप उसमें 2.5 चम्मच चीनी डाल सकते हो। तो मैं इसमें 2.5 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें और ऐड कर रहे हैं गरम पानी यानी हॉट वाटर। ये गुनगुना नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये गर्म होना चाहिए और 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड करा है गर्म पानी। और मैं किसी मशीन का यूज नहीं कर रही ना ही विस्कर का, और मैं यूज कर रही हूँ इस चम्मच का, कांटे वाली चम्मच है मेरे पास, ये अच्छे से विस्क करेगी आपकी कॉफी को और इसे फॉक भी कहा जाता है, इसकी मदद से मैं इसे विस्क करूंगी। ये कॉफी इस टाइम बहुत वायरल हो रही है दोस्तों और ये मशीन और विस्कर की मदद से आपको बना के दिखाई जा रही है, जब भी आप सर्च मारोगे तो आपको एक विस्कर दिखाई देगा। मैं विस्कर का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं स्पून का यूज कर रही हूँ, एक फॉक जो चम्मच है मेरे पास उसके यूज से बनाऊंगी। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, मशीन से बनाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, विस्कर से बनाओगे तो थोड़ा सा जल्दी होगी और स्पून से बनाओगे तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन इससे भी बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, चीनी मेल्ट हो चुकी है, सब कलर एकदम चेंज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों मुझे 15 मिनट हो चुके हैं फेंटते फेंटते अपनी कॉफी को और ये फ्लफी फॉर्म में आ गई है। अभी कम से कम इसे हमें 10 मिनट और फेंटना है अच्छे से, ऐसे ही लगातार चलाते रहना है तब ये डलगोना कॉफी की फॉर्म में आएगी। और ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसमें। ये देखिए दोस्तों मुझे 25 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अभी भी फेंक रही हूँ और ये देखिए मेरी डलगोना कॉफी एकदम शेप में आ चुकी है, कितनी अच्छी फॉर्म शेप में आ गई है और ये नीचे भी नहीं गिर रही है, आप देख सकते हो। जब ये नीचे ना गिरे ऐसे फॉर्म में आ जाए क्लाउडी फॉर्म में तो आपकी डलगोना कॉफी एकदम रेडी है। और अब मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगी, उसके बाद हमें लेना है एक ग्लास और लेना है एक चिल्ड मिल्क। आपको पूरी कॉफी फ्लफी करने के लिए कम से कम 25 मिनट लगातार उसे स्पून से फेंटना है। और ये डाली मैंने आइस, जो डलगोना कॉफी है वो एकदम चिल्ड मिल्क पे सर्व होती है दोस्तों, ये गई आइस इसके अंदर और ये चिल्ड मिल्क, ये देखिए। और इसे मैं आधा ही भरूंगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी फ्लफी कॉफी। ये देखिए एकदम फ्लोट कर रही है, यानी आपकी डलगोना कॉफी एकदम परफेक्ट फ्लफी हुई है। इसमें 2 स्कूप रखूंगी मैं इसके, ये देखिए दोस्तों मैंने इसे सेट कर दिया है। और गार्निशिंग के लिए मैं इस पे थोड़ी सी कॉफी स्प्रिंकल कर रही हूँ जो इसे बेहद खूबसूरत बना रही है। ये देखिए मेरी डलगोना कॉफी एकदम रेडी है। और इसे मैंने विदाउट मशीन और विदाउट बिस्किट से बनाया है, आप मेरी इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें। बोलना